हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ नारियल लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो हम 3 कलर्स में बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नारियल लड्डू बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम नारियल का बुरादा ले लिया है, मावा लिया है, रेड चेरी ली है, चॉप ड्राई फ्रूट लिए, मिल्क पाउडर लिया है, शुगर लिए और 1 कप दूध लिए। मावे को हम पैन में लो फ्लेम पर थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। बस हमें इसे थोड़ा सा ही मेल्ट करना है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम थोड़ा देर ठंडा कर लेंगे। अब हम कोकोनट को पैन में डालकर इसे लो फ्लेम पर थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसमें 1 कप दूध ऐड कर देंगे। थोड़ी सी इसमें इलायची डाल देंगे। अब मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इस मिक्सचर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसे हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। अभी मावा भी ठंडा हो गया है। अब हम इसमें रेड चेरीज और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जो मैंने चॉप करके रख लिए थे। अब इसकी मैं छोटी छोटी बॉल्स रेडी कर लूंगी। अब एक पोर्शन में मैं ग्रीन फूड कलर ऐड कर दूंगी। अब ये ग्रीन मिक्सचर रेडी हो गया है। सेकंड में हम ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। अब ये ऑरेंज मिक्सचर भी रेडी हो गया है। अब हम इन तीनों मिक्सचर के लड्डू बना लेंगे। अब इसके अंदर हम जो हमने मावे की बॉल्स बनाई थी वो हम इसमें फिल कर देंगे। अब ये तीनों कलर के लड्डू एकदम तैयार हो गए हैं। इसे हम रेड चेरी से गार्निश कर देंगे। अब ट्री कलर नारियल लड्डू बनकर एकदम तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।